Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you poem Rain on the Roof from your book Beehive of class 9th. This poem is written by Coates Skinny. Let us read what is written in the blue box. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flash through your mind as you hear this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed and while listening to the rain. ये जो poem है ये बारिश के बारे में है, और बारिश जो है जब होती है तो मुझे लगता है बारिश सभी को पसंद है. कुछ लोगों को भीगना पसंद है, कुछ लोगों को घर में बैठकर चाय पकौड़ी खाना पसंद है, कुछ लोगों को घर में बैठकर बालकनी में बैठकर हाथ निकाल के हाथ भिगोना पसंद है, कुछ बूंदे हाथ में लेके चेहरे को छूना पसंद है. तो बारिश हर तरीके से हर इंसान को पसंद आती है. कुछ लोग क्या करते हैं, लेट जाते हैं शांति से और उस बूंदों की आवाज़ों को सुनते हैं और बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट करते हैं. यहाँ पर भी ये पोम ऐसे ही आधारित है, रेन ऑन द रूफ, जहाँ पर पोएट क्या कर रहा है, वो पुरानी यादों को, मतलब रेन के पीटर पैटर साउंड को सुनकर अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा है. आइए देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा इसका. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and I lie listening to the patter of the soft rain overhead. ये फर्स्ट स्टैंजा है बच्चों, और इसमें पहली लाइन ही कह रही है व्हेन द ह्यूमिड, आपको पता है फुल ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी से भरा हुआ. तो शेडोज़ हावर क्या, क्लाउड्स. ह्यूमिड क्या है, क्लाउड हैं, पानी से भरे बादल हैं, और वो जो पानी से भरे हुए बादल होते मूव करते हैं, हावर्स करते हैं, अराउंड घूमते रहते हैं. हावर का मतलब मूव अराउंड समथिंग, घूमा करते हैं. कहाँ घूमा करते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर, पूरे आकाश में. ठीक है, स्टारी स्फीयर, सितारों भरे आकाश में वो घूमते हैं. एंड द मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली का मतलब होता है सैड, मेलनकली का मतलब होता है सैड. और जो मेलनकली अंधेरा है, डार्कनेस है, जेंटली वीव्स इन द टीयर्स. यहाँ पर जो बारिश की बूंदें हैं उनको कंपेयर किया गया है आंसुओं से. वो कहते हैं कि ये जो रात्रि का अंधेरा है वो बहुत दुखी है और वो रो रहा है. ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये उसके आंसू हैं. ठीक है, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो. और जो राइटर हैं, पोएट हैं, वो कहते हैं कि क्या ब्लिस मतलब हैप्पीनेस, कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आ रहा है. अपने पिलो को दबा कर सो रहे हैं. कहाँ सो रहे हैं, अपने बेडरूम में, कॉटेज चैम्बर में. और क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं. किस चीज़ को सुन रहे हैं, लिसनिंग टू द पैटर. पैटर जो है बारिश की बूंदों की आवाज़ को कहते हैं. बारिश की बूंदों की आवाज़ वो सुन रहे हैं. कहाँ पे गिर रही हैं, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, उनके छत पर गिर रही हैं, उसकी आवाज़ ये मज़े से सुन रहे हैं. Hope that you have understood the first stanza. Now let us go to the second stanza. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being start and a thousand recollections weave their air threads into woo as I listen to the patter of the rain upon the roof.
एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स. अब टिंकल का मतलब भी पैटर होता है. पैटर मतलब बारिश की बूंदों की आवाज. ठीक है, टिंकल और पैटर दोनों चीज सेम है. और सिंगल्स क्या होता है, पहले गांव में खपड़ैले की छत बनाई जाती थी, लकड़ियों की छत बनाई जाती थी. वो लकड़ियाँ जो ब्रिक नुमा होती थी, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती थी. ठीक है, तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में टाइल्स जैसी हुआ करती थी. तो खपड़ैले की ईंटें की भी मिट्टी को पकाकर भी खपड़ैला कहते थे, उसकी छत बनाई जाती थी. कहीं लकड़ियों का को ऐसे ही डिज़ाइन दे के बना दिया जाता था. तो यहाँ लकड़ी की छत है. तो वो कहते हैं कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, मतलब एक एक बूंद जो गिर रही है वो क्या कर रही हैज एन ईको इन द हार्ट. ईको, ईको मतलब रिपीट कर रही है बार 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 बार. वो बूंदें एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो ईको कर रही है मेरे हार्ट में, मेरे हृदय में गूंज रही हैं. एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज into the busy being start. और बहुत सारे dreams, बहुत सारे सपने मेरे जो fancy word हैं, fantasy word हैं, वैसे बहुत सारे सपने मेरे दिमाग में उजागर हो रहे हैं, आ रहे हैं. And a thousands recollections. Thousands recollections का मतलब past की memories भी क्या कर रही हैं, आ रही हैं. वीव देयर एयर थ्रेड इन टू वूव. पास्ट की मेमोरीज भी आकर उसी में क्या कर रही हैं, सपने बुन रही हैं. दोनों नए सपने और पुराने सपने एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, बुनते जा रहे हैं. वूव वेफ्ट होता है जिसमें बुनाई होती है, हथकरघा मशीन में वैसे ही. तो यहाँ पर हथकरघा मशीन की बात नहीं है, यहाँ ड्रीम्स बुने जा रहे हैं, सपने बुने जा रहे हैं नए और पुराने. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. और ये सपने तभी मैं बुन पा रहा हूँ क्योंकि मैं किसे सुन रहा हूँ, मैं बारिश की टप टप को सुन रहा हूँ, झरझर को सुन रहा हूँ, बारिश के टिंकल को सुन रहा हूँ, बारिश की पैटर को सुन रहा हूँ जो मेरे छत पे गिर रही है. आइए थर्ड स्टैंजा देखते हैं. नाउ इन मेमोरीज कम माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the singles by the patter of the rain. Ab poet kehte hain ki now in memories comes my mother. Ab meri memories mein, meri yaadash mein, mere yaadon mein kaun aa rahi hain, meri maa aa rahi hain. Meri maa ki mujhe yaad aa rahi hai kyunki jab maa thi tab bhi barish hoti thi. Aur tab kya hota tha, as she used to years अगोन. लेकिन अब मेरी माँ जिंदा नहीं है, बहुत साल पहले ही मेरी माँ चली गई हैं, लेकिन मुझे उनकी याद आ रही है. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. और उस समय भी मैं क्या करता था, ऐसे ही लेटता था उनके, वो मेरे बगल में होती थी और मैं ऐसे ही सपने देखा करता था. एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. और एरा वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ बिफोर, मीन्स वो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी जब तक कि वो ना हो जाए. मतलब रात से बैठ के बैठी रहती थी, सुबह तक वो मेरे साथ ये करती रहती थी. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. वो आज भी मुझे लग रहा है कि वो मुझे देख रही हैं. एज आई लिस्ट मतलब लिसन टू दिस रिफ्रेन. दिस रिफ्रेन का मतलब बारिश की बूंदें जो पटर पट 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 गिर रही हैं, पैटर टिंकल फॉर्म में गिर रही हैं, वो एक सॉन्ग पैदा कर रही हैं जो कि उसे अपनी माँ की लोरी याद आ रही है. माँ जैसे गाती थी वैसे ही गाना उन्हें लग रहा है कि जैसे माँ गाना गा रही हो, वैसे ही वो कंपेयर कर रहे हैं रेन को अपनी माँ से. कि रिफ्रेन का मतलब ही होता है पोम और सॉन्ग. तो आज ये बरसात माँ की मुझे याद दिला रही है कि कैसे वो गाया करती थी, कैसे वो मुझे सुलाया करती थी.
और मुझे माँ की याद आ रही है विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल, और आज वो कहाँ पे प्ले हो रहा है, टाइल्स पे प्ले हो रहा है, मेरे छत की टाइल्स पे प्ले हो रहा है, और क्या प्ले हो रहा है, बाई द पैटर ऑफ द रेन, जो बारिश की बूंदें पट 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 गिर रही हैं छत पर, उससे मुझे माँ की याद आ रही है, माँ की लोरी की याद आ रही है, माँ का प्यार याद आ रहा है, माँ का केयर याद आ रहा है, सारी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज द पोम। लेट अस सी द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोम। राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोम इज ए बी सी बी डी ई एफ ई। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हावर कहीं पे भी राइम नहीं कर रहा है, लेकिन सेकेंड लाइन में स्पेयर और फोर्थ लाइन का टीयर्स जो है राइम कर रहा है, इसलिए बी बी दो बार आएगा, तो ए बी सी बी। और फिर पिलो राइम नहीं कर रहा है, बेड और हेड राइम कर रहा है, तो ई ई दो बार आएगा, ई एफ ई। सो राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी डी ई एफ ई। आइए आप देख लेते हैं कि पहले स्टेंजा में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। पहले में ही है एलिटरेशन, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड्स को बताता है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो आप पहली लाइन में देखिए, ह्यूमिड हावर, ह ह साउंड आ रहा है, तो ये एलिटरेशन है। फिर स्टारी स्फेयर सेकेंड लाइन में आ रहा है, एस एस है, तो ये एलिटरेशन है। और उसके बाद आप कॉटेज चैम्बर देख लीजिए, सी सी साउंड है, एंड प्रेस पिलो है, पी पी है, एंड लाई लिसनिंग है, ठीक है। तो ये एलिट्रेशन है। यहाँ पर फिर से रिपीट करती हूँ, ह्यूमिड हावर है, स्टारी स्फेयर्स है, प्रेस पिलोज हैं, एंड लाई लिसनिंग है, ये सारे क्या हैं, एलिट्रेशन है। और ओनोमेटोपिया है, क्योंकि पैटर है, ओनोमेटोपिया जो है साउंड को रिफर करता है, तो पैटर साउंड जो है वो रेन की आवाज़ है, रेन की आवाज़ को पैटर कहते हैं, तो इसलिए ओनोमेटोपिया है। ओनोमेटोपिया के बाद परसोनिफिकेशन है। अब परसोनिफिकेशन कैसे है, क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस को कहा जा रहा है कि सैड है, डार्कनेस को कंपेयर किया है, परसोनिफाई किया है सैडनेस से, तो इसलिए परसोनिफिकेशन है। और ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ट्रांसफर्ड एपिथेट का जो मतलब है वो है मेलनकली डार्कनेस। मेलनकली जो डार्कनेस है, इट रेफर्स टू मेलनकली का मतलब होता है सैड, और सैड कोई इंसान होगा, डार्कनेस सैड कैसे होगी, तो एक तरफ उसे पर्सोनीफाई भी हम लोग कहते हैं, और यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्योंकि मेलनकली जो है वो स्पेशली पर्सन के लिए यूज़ होता है, एक इंसान ही सैड हो सकता है, एक जानवर लिविंग बींग ही सैड हो सकता है। तो ये रहा फर्स्ट स्टैंजा का। सेकेंड स्टैंजा में आइए, एवरीथिंग टिंकल्स ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट्स एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट्स एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इन टू वूव एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। अब यहाँ टिंकल पहली लाइन में आया है, टिंकल भी रेन का साउंड है, टिंकल एंड पैटर दोनों ही आया हुआ है, सेकेंड लास्ट लाइन में पैटर भी आया, तो टिंकल और पैटर दोनों क्या हैं, ऑनोमोटोपिया हैं। पैटर और टिंकल दोनों ऑनोमोटोपिया हैं, क्योंकि दोनों ही साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी एलिट्रेशन देखने को आपको मिलेगा, यहाँ पे एलिट्रेशन आपका बिजी बींग है, और देयर थ्रेड है, और रेन एंड रूफ है, तो बिजी बींग ब साउंड आ रहा है, देयर थ्रेड थ साउंड आ रहा है, एंड रेन रूफ आर साउंड आ रहा है। तो ये हो गया आपका एलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन ये मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं पर्सोनिफिकेशन, यस पर्सोनिफिकेशन के बारे में देखते हैं।
अभी मैंने आपको दो बताया, ओनोमोटोपिया बताया और एलिटरेशन बताया। अब पर्सोनिफिकेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर्सोनिफिकेशन किसका किया गया है? 1000 कलेक्शन, रिकलेक्शन, पर्सोनिफाई दे वीव द ड्रीम। अब यहाँ पे पर्सोनिफाई मतलब ड्रीम्स को बुनना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कौन ड्रीम्स देखता है? इंसान ड्रीम्स देखता है, लेकिन यहाँ पर ड्रीम्स को बुनने की बात की गई है, ड्रीम्स को बुनाई, तो ड्रीम्स को पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन है। और नेक्स्ट लाइन में जो है वहाँ पे भी एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन यहाँ डार्लिंग ड्रीमर्स है, मेमोरी माई मदर्स है, एमएम का यूज़ हुआ है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। और एरा जो है, एरा वर्ड जो है वो बिफोर के लिए यूज़ होता है, लिस्ट वर्ड लिसन के लिए यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं याद रखने वाली हैं। और मैंने आपको राइमिंग स्कीम बताई दी है, तो राइमिंग स्कीम ये कर लीजिएगा। लास्ट लाइन में फिर से मैं बता रही हूँ, फर्स्ट लाइन में एम मेमोरीज माई मदर, एम 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 तीन बार आया है, तो एलिट्रेशन है। फिर थर्ड लाइन में डार्लिंग ड्रीमर्स, ये भी एलिट्रेशन है। और ओनोमोटोपिया है, पैटर साउंड है, तो ओनोमोटोपिया है। तो इस तरीके से सारे लिटरेरी डिवाइस हैं इसमें, इनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से इनको ये करिए। अच्छा, पोम के टाइटल के लिए थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि टाइटल पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टाइटल बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोम रेन ऑफ द रूफ वी कैन मेक आउट द दैट पोम इज़ अबाउट रेन। The poet is telling us about the memories he has of the rain. The sound of the raindrops falling on the roof of his house bring back sweet memories of the past. जो कि अभी मैंने आपको पोम में पढ़ के बताया है कि इस बरसात से जो कि उसके छत पे गिर रही है, सारी जगह पे हो रही है, लेकिन स्पेशली वो घर के अंदर है, तो वो बरसात का आनंद कैसे ले रहा है, जो छत पे बारिश की बूंदें गिर रही हैं उसकी आवाज़ से मज़े ले रहा है वो, और वो कैसे आनंद उठा रहा है, वो अपनी मेमोरीज़ में जाके आनंद उठा रहा है। कभी प्रेजेंट की मेमोरीज़ को पास्ट से कोरिलेट करता है, कभी पास्ट की मेमोरीज़ को प्रेजेंट से कोरिलेट करता है, और वो आनंद उठा रहा है। So hope you have understood the poem, and if you have any problem you can write down in the comment box. I am always there to help you out. I will be back with a new video very soon. Till then, stay safe, stay healthy.